तो बच्चों इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन को आगे पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले और उसकी प्रैक्टिस करेंगे पूरी, और उसको सीखेंगे कि कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं जो आपके यूज के हैं। तो इसमें फर्स्ट जो फॉर्मूला है यह है कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये कॉन्स्टेंट ऐसे का ऐसा लिख देंगे एज इट इज, dx को x लिख दिया जाता है, dx का इंटीग्रेशन आप हमेशा याद रखना x होता है प्लस c। तो ये तो हम अगर कांस्टेंट हो, इसका मैं एक एक एग्जांपल तो अभी बताता हूँ, फिर प्रैक्टिस में मैं और बताऊंगा। जैसे 5dx लिखा हुआ है, ठीक है, 5 ये तो कांस्टेंट हो गया, और विद रेस्पेक्ट टू x इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 5 जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, और dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, और अभी ये इनडेफिनेट है तो प्लस c लगा के चलेंगे हम। अगर डेफिनेट होता तो हम लिमिट के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वैसे हम इसको सॉल्व कर देते, लेकिन अभी तो ये इनडेफिनेट दे रखा है तो फिर प्लस सी लगेगा। क्लियर है? तो जो कांस्टेंट है उसको लिखो और dx का कर दो इंटीग्रेशन। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस सी। और अगर मान लो यहाँ पर लिमिट दे रखी होती तो फिर हम सी नहीं लगाते, फिर हम यहाँ पर लिमिट से के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते, 5 2 -1 तो ये 5 हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट है। सेकंड फॉर्मूला x की पावर n dx है। मैं कुछ एक एक एग्जांपल यहां करा दूंगा, फिर बाकी आपको प्रैक्टिस में कराऊंगा। अब जैसे x की पावर n dx का क्या इंटीग्रेशन कर रखा है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो यहां पर मैं ले लेता हूँ x स्क्वायर dx और इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ 1 से 2, ठीक है। x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन 1 से 2 कर देता हूँ, ठीक है। मैं डेफिनेट करके बता रहा हूँ, इनडेफिनेट होगा तो बस प्लस c लगाना होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जैसे यहाँ लगा रखा है, लेकिन मैं आपको डेफिनेट का एग्जांपल बता रहा हूँ। तो देखो जरा यहाँ से x की पावर n प्लस 1, तो जो पावर होती है उसमें प्लस 1 कर देते हैं, यहाँ पर पावर 2 है तो 2 में प्लस 1 कर दो, अपॉन में भी एज इट इज 2 प्लस 1 लिख दो, और फिर आप इसकी जो लिमिट्स हैं 1 और 2 ये यहाँ पर लगा दो। तो ये हो गया x क्यूब अपॉन 3 और लिमिट आ गई 1 से 2। फिर पहले x की जगह 2 रखो, 2 क्यूब अपॉन 3 -1 क्यूब अपॉन 3, ठीक है, 8 अपॉन 3 -1 अपॉन 3, ये हो जाएगा 7 अपॉन 3। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। थर्ड में मैंने यहाँ पर देखो एक चीज लिख रखी है कि यहाँ पर बाकी सब जगह पर ये फॉर्मूला लगेगा, केवल एक जगह पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, जब n इज इक्वल टू -1 होगा। तो ऐसा क्यों होता है, अगर मैं यहाँ -1 रख दूं तो भैया ऐसा क्या हो गया कि ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि अगर मैं x को यहाँ -1 रखता हूँ तो क्या होता है। तो अगर मैं x को बच्चों -1 रखता हूँ तो मेरा फॉर्मूला -1 तो n हो गया, प्लस 1 यहाँ पे वो रहेगा, यहां पर भी वही आएगा -1 प्लस 1। अब अगर इस वैल्यू को मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, सॉल्व करके देखते हैं। x की पावर ये तो हो जाएगी 0 और ये भी हो जाएगा 0, x की पावर 0 अपॉन 0, x की पावर 0 होता है 1 अपॉन 0 कितना हो गया, इनफाइनाइट। अगर किसी को सॉल्यूशन करते समय इनफाइनाइट आ जाए तो आप ये समझ जाना कि आपने वो फॉर्मूला सही नहीं लगाया है, क्योंकि इनफाइनाइट की कोई तो वैल्यू ही नहीं होती, इसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो जब आपने कोई फिक्स वैल्यू इसकी नहीं निकाली, यानी आपने ये फॉर्मूला गलत लगाया है, इसीलिए ये फॉर्मूला इस वाली कंडीशन के लिए बैठता नहीं है। x की पावर -1 है अगर यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, बस ये ध्यान रखना। बाकी सब कंडीशन में लग जाएगा, केवल एक ही कंडीशन में नहीं लगेगा, जब x की पावर यहाँ -1 होगी तो फिर उसका फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर इसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थर्ड फॉर्मूले में सॉल्व करके बता रखा है। x की पावर -1 का अगर इंटीग्रेशन करना है, यानी 1 अपॉन x भी इसको लिख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब x की पावर -1 का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, ये नया फॉर्मूला है, इससे नहीं होगा, आपको 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या लिखना होगा, log x। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x। अब आता है ये फॉर्मूला, ये मैंने अभी आपको बताई दिया है इस वाले में dx का अगर अकेला है तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। अब आ जाओ साइन के दो फॉर्मूले दिख रहे हैं यहां, तो अगर साइन ax का इंटीग्रेशन है, जैसे मान लो लिखा हुआ साइन 4 थीटा d थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है,
ठीक है, जैसे यहाँ पे साइन ए एक्स डी एक्स है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में ए की जगह तो 4 ले लिया है और x की जगह मैंने थीटा ले लिया है, तो साइन 4 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो क्या होता है, माइनस कॉस 4 थीटा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है और साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस होता है, ये ध्यान रखना। तो साइन 4 थीटा को तो पहले माइनस कॉस 4 थीटा लिख दिया, अब अपॉन में जो थीटा के साथ कॉन्स्टेंट है उसको अपॉन में लिख देना, और अभी ये इंडेफिनेट है तो इसमें सी लगा देते हैं। तो क्लियर है, आपको करना कुछ नहीं है, साइन का माइनस कॉस होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है और जो कांस्टेंट है उसको अपॉन में लिख दो, बस काम खत्म। अब मान लो वो क्या, यहाँ कांस्टेंट है ही नहीं, केवल साइन थीटा है, ये वाला फॉर्मूला, यहाँ कांस्टेंट है ही नहीं एक्स के साथ, कोई बात नहीं है, नहीं है तो यहां से भी हटा दो कॉन्स्टेंट और यहां से भी हटा दो, तो फिर सीधे सीधे साइन एक्स का अगर कर रहे हैं तो माइनस कॉस एक्स, क्योंकि उसमें ए 1 मान लिया है हमने, ए को क्या मान लिया है यहाँ 1, तो यहाँ पे भी 1 माना तो यहाँ भी 1 मानो, यहाँ 1 मानोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो अगर साइन एक्स का करवा रहे हैं तो माइनस कॉस एक्स, लेकिन साइन एक्स के पहले कोई कॉन्स्टेंट है तो फिर माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए, ये कॉन्स्टेंट अपॉन में आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको 4 लेके बताया था। तो अगर यहाँ पे 4 आ गया या कोई और कॉन्स्टेंट आ गया तो उसको आपको डिवाइड में भी लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कॉस का, तो अगर यहाँ पे मान लो कॉस होता तो यहाँ पे साइन होता और साथ में प्लस होता, ठीक है, अगर यहाँ कॉस 4 थीटा का करते तो प्लस का साइन 4 थीटा अपॉन 4, बस इतना डिफरेंस होता है, साइन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉस होता है और जब कॉस का इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस साइन होता है। और यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला, इसमें भी ए को 1 मान लिया है हमने, ए इज इक्वल टू 1, तो अगर हम इसको ए को 1 मान लेते हैं तो यहाँ पर भी हमें ए 1 लेना पड़ेगा, तो ये साइन एक्स हो जाएगा सीधा सीधा, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कॉस ए एक्स का इंटीग्रेशन साइन ए एक्स अपॉन ए, और ये एक है ई एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई एक्स ही होता था, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन भी ई एक्स ही होगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, e की पावर x, तो उसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है। तो ये टोटल 9 फॉर्मूले हैं आपके जो यूज में आते हैं, बाकी आपको sec थीटा का tan थीटा का आपके यूज में नहीं आएंगे, इतने फॉर्मूले भी 11 क्लास के हिसाब से आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। अब मैं इनकी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ आपको, फॉर्मूले सारे हो गए, ये फॉर्मूले आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, सिंपल फॉर्मूले हैं, एक एक एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया है, कुछ और भी मैं चीजें इसमें आपको सिखाता हूँ। अब थोड़े से अपन 2-3 एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे अपन मान लो प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल्स लेते हैं और यहाँ पर अपन इसको प्रैक्टिस में लेके इसको प्रैक्टिस करते हैं अच्छी तरीके से। जैसे मान लो फर्स्ट मैं ले रहा हूँ, मान लो एक्स स्क्वायर डी एक्स ले लूँ मैं और 0 से 2 तक ले लूँ, एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से 2 तक, ठीक है, तो ये हो जाएगा x, इसमें प्लस 1 कर दो, अपॉन में भी ये का ये लिख दो, आपको यही करना है, पावर में प्लस 1 करना है और जो पावर लिखी है वही यहां लिख दो और फिर इसका 0 से 2 तक इंटीग्रेशन करना है, लिमिट बाहर लगा दो बड़े ब्रैकेट के बाहर, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3, ये हो जाएगा 8 अपॉन 3 और ये हो जाएगा 0, काम खत्म। तो ये हमारे पास फर्स्ट आ गया जिसमें हमने एक्स स्क्वायर डी एक्स देखा। अब एक हम देखते हैं, मान लो एक्स डी एक्स, केवल एक्स है तो एक्स डी एक्स का क्या होगा, मान लो आप 2 से लेकर 3 तक करते हो, 2 से 3 तक करना है मान लो, तो क्या होगा, इसका एक्स इसकी पावर 1 है तो 1 में प्लस 1 करोगे 2 हो जाएगी अपॉन 2 2 2 3। अब आप क्या करोगे, पहले अपर लिमिट रखोगे 3 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 रखोगे 2 स्क्वायर अपॉन 2 9 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2 5 अपॉन 2, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अब ऐसे आप कोई से भी कर सकते हो, एक्स क्यूब डी एक्स का कर सकते हो आप, एक्स क्यूब डी एक्स का अगर मान लो आपको करना है 0 से 3 तक, तो पावर एक्स क्यूब है इसको 4 कर दो अपॉन 4 0 to 3 तो 3 का 4/4 माइनस 0 की पावर 4 अपॉन 4, तो 3 को अगर 4 टाइम करोगे 3 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 81 डिवाइडेड बाय 4 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो मैं कहता हूं यहां पर इसके साथ कोई और एक 2
2x² dx ऐसे होता सपोज, एक कॉन्स्टेंट भी होता x, ये x square dx था ना, इसके साथ एक 2 कॉन्स्टेंट भी होता, फिर क्या होता, कुछ नहीं है। सबसे पहले इस 2 को लिखो बाहर, ये 2 कॉन्स्टेंट को ऐसे कैसा लिख लिया जाता है, कॉन्स्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं हमेशा, तो 2 तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया। अब x square dx का क्या हो गया, x cube by 3, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, तो ये 2 और 1 रखोगे पहले, तो 1 cube upon 3 minus 0 रखोगे, 0 cube upon 3, तो ये 2 और ये 1 by 3 और ये 0, तो ये हो जाएगा 2 by 3, clear है। देखो x square था ना, तो x square में एक plus कर दी power में, तो x cube upon 3 हो गया। अब x ये पहले 1 रखा, तो 1 cube upon 3 minus करके 0 रखा, 0 cube upon 3, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 upon 3 बचेगा, तो ये 2 upon 3 हो गया, clear है। इसके बाद मैं आपको और भी दो बता रहा हूं, जैसे मान लो रूट वाले को सॉल्व करना सिखा रहा हूं, मान लो आपको दे रखा है रूट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है, रूट एक्स, तो रूट एक्स को पहले पावर देख लो, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर हाफ डी एक्स, रूट एक्स को पहले मैंने पावर में लिख दिया एक्स की पावर हाफ डी एक्स। अब वही तरीका, एक्स की पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन, ठीक है, और प्लस सी लगा रहा हूं मैं, क्योंकि अभी ये इनडेफिनेट है, अगर कोई लिमिट होगी तो लिमिट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे, पर अभी हम इसको सॉल्व करना सीख रहे हैं केवल। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। तो ये x की पावर हाफ था, इसका इंटीग्रेशन हो गया x की पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन, हाफ प्लस वन हो गया 3/2, इधर भी हाफ प्लस वन हो गया 3/2, ये हो गया 2/3 x की पावर 3/2। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया है किसी की भी पावर 3/2 का क्या मतलब होता है, एक तो पूरी पावर है इसकी और एक हाफ है, तो x की पावर 3/2 को आप क्या लिख सकते हो, x रूट x, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया अपने पास 2/3 x रूट x, ठीक है, तो इसको फॉलो कर सकते हो। अब मान लो यार रूट x ये है 1 अपॉन रूट x होता तो क्या होता, ये 6th बन जाता, तो 1 अपॉन रूट x का मतलब हो गया x की पावर माइनस हाफ, ये अपॉन में है ना x की पावर हाफ, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगी, x की पावर माइनस हाफ, तो यहां पे भी माइनस हाफ प्लस 1, यहां भी माइनस हाफ प्लस 1, तो फिर क्या बचेगा, यहां यहां बचेगा x की पावर हाफ अपॉन यहां पर भी हाफ, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 x की पावर हाफ और ये 2 रूट x आ जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन रूट x का मतलब x की पावर माइनस हाफ, अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, और प्लस सी क्यों लगाया, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो ये हो गया माइनस हाफ प्लस 1 कितना हो गया प्लस हाफ, और ये माइनस हाफ प्लस 1 कितना हो गया, ये भी हाफ हो गया, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये x की पावर हाफ, x की पावर हाफ को क्या लिख देंगे, रूट x, तो एक इंटीग्रेशन इस तरीके का आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे करके आप ये इंटीग्रेशंस को आप सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। अब एक बात आती है कि अगर कुछ और फॉर्मूले देखें, अदर फॉर्मूले, तो उसमें जैसे मान लो आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो तो क्या करोगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो इसके लिए क्या रूल होता है, वही डिस्ट्रीब्यूशन रूल यहां पे फॉलो होगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे मतलब, दो अगर मान लो ऐसा कुछ है u प्लस v dx, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, दो फंक्शन प्लस में भी हो सकते हैं और यहाँ माइनस भी हो सकता है, तो दो फंक्शन अगर आपके पास प्लस या माइनस में इस प्रकार हैं, तो आप उनका अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे, पहले u का करोगे dx के साथ, u dx, फिर प्लस माइनस लगाओगे, ये प्लस माइनस, फिर v का dx के साथ इंटीग्रेशन कर दोगे dx x के रेस्पेक्ट में, तो इस तरीके से आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे, u का अलग से इंटीग्रेशन, v का अलग से इंटीग्रेशन, और बीच में जो भी होगा, अगर प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, या माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, मान लो हमसे कहा जाए x square sin x dx, ठीक है, तो अब इसका अगर इंटीग्रेशन हमें करना है तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, x square dx प्लस इंटीग्रेशन sin x dx, तो अलग अलग कर दिया इनको दोनों पार्ट्स में, x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब बाई 3 प्लस साइन x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस x, और इनडेफिनेट इसलिए लगा देंगे प्लस c, तो ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3
माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो इस तरीके से अगर प्लस या माइनस बीच में लग रहे हैं तो आपको वही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मतलब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। dx इसके साथ भी आएगा, dx इसके साथ भी आएगा, इंटीग्रेशन का साइन इसके साथ भी आएगा, इंटीग्रेशन का साइन इसके साथ भी आएगा, बीच में अगर प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। क्लियर है? तो एक तो रूल हो गया ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, एक मैं आपको मल्टीप्लीकेशन का बता रहा हूं। सेकेंड मल्टीप्लीकेशन, अब अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो हमें एक रूल को फॉलो करना होता है, यू इंटू वी अगर ऐसा है और विद रेस्पेक्ट टू हमें x इसका करना है तो पहले u को बाहर लिख के v का इंटीग्रेशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, फिर माइनस लगाते हैं, माइनस लगाने के बाद इंटीग्रेशन du बाई डी एक्स, ठीक है, फिर v डी एक्स, इंटीग्रेशन एक और आएगा v डी एक्स, यहां पर ब्रैकेट लगेगा, यहां भी ब्रैकेट लगेगा और dx, ये पूरा फॉर्मूला बनता है। अब आपको ये लग रहा होगा ये क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले को समझो पहले। ये u है, ये पहला फंक्शन है, इसको विदाउट चेंज यहां लिखना है, फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देना है विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, u को तो बिना चेंज करके यहां लिख दो और v का इंटीग्रेशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x। अब माइनस लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, पहले ये जो u है इसका डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू x, फिर ये जो v है इसका इंटीग्रेशन करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, और फिर जो भी यहां पे आएगा ब्रैकेट में उस पूरे ब्रैकेट का फिर इंटीग्रेशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब आप इसको एक एग्जांपल से और अच्छी तरीके से समझ सकते हो। मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं आपका एक्स साइन एक्स का, ये जो मैंने आपको भेजा है वही ले रहा हूं मैं, एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये नोट्स में जो भेजा है। तो जैसे यू था यहां एक्स आ गया, यहां वी था यहां साइन एक्स आ गया, ठीक है, u की जगह x ले लिया मैंने, v की जगह sin x ले लिया। अब इस फॉर्मूले में u बाहर है तो x बाहर रख लिखूंगा मैं, v अंदर है तो v अंदर लिखूंगा sin x dx। पहले मैं अरेंज करूंगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस इंटीग्रेशन लगाऊंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा du बाई डी एक्स, यू कितना है x, तो dx बाई डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन, अब v लिखूंगा, v कितना है sin x dx, sin x dx, फिर ब्रैकेट बंद करके dx लिख दूंगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, x sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, माइनस ये dx by dx तो 1 हो जाएगा और sin x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो माइनस cos x हो जाएगा, ठीक है, और फिर इसका इंटीग्रेशन आपको विद रेस्पेक्ट टू x करना है, तो ये तो हो जाएगा माइनस का x cos x, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन यहां बचेगा cos x dx, तो ये हो जाएगा माइनस x cos x और प्लस cos x का क्या होता है sin x, cos x का क्या होता है sin x, और अभी ये कैसा है इनडेफिनेट, तो हम क्या लगा देंगे साथ में, साथ में हम लगा देंगे इसमें प्लस c, ठीक है, क्लियर हो गया काम। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, पहले x लिखा, sin x का इंटीग्रेशन कर दिया, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो गया, फिर ये माइनस, ये du by dx था, u की जगह अभी हमें x दिया गया है तो dx by dx, फिर इंटीग्रेशन v dx, v की जगह हमें sin x दिया गया है तो sin x dx और फिर ये dx। अब यहां पर तो हमने इंटीग्रेशन किया है, यहां हमने डिफरेंशिएशन किया है, dx by dx कितना होता है 1 होता है और sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cos x, और ये dx हमें लिखना ही पड़ेगा क्योंकि यहां पर तो हमने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है, अब इस पूरे का दोबारा इंटीग्रेशन होगा तो इसलिए यहाँ पे ये dx लिखना पड़ेगा। अब ये माइनस और माइनस को हमने यहाँ क्या कर दिया है प्लस, अंदर केवल cos x dx बचेगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा sin x, और c क्यों लगाया क्योंकि ये सब कुछ क्या चल रहा है इनडेफिनेट, इसीलिए लास्ट में आपको सॉल्व करने के बाद एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c लगाना पड़ेगा। तो ये पूरा बच्चों आज मैंने आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस कराई है, आप ऐसे और भी क्वेश्चन देख सकते हो। अभी हम चैप्टर जब पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो उसके अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के और भी कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये तो अभी हमने केवल एक बेसिक सीखा है कि इंटीग्रेशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन होता क्या है, और इसके कुछ क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस में लिया है, लेकिन अभी हमारा मेन काम क्या है, मेन ये थोड़ी हम मैथ्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, हमें तो पढ़ना है फिजिक्स। अब फिजिक्स में आएंगी बहुत सारी क्वांटिटीज और उनको सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को वैसाखी की तरह यूज में लेना पड़ेगा।
तो ये कैसे यूज में आते हैं फिजिक्स में, ये हमारा मेन टारगेट है। इसको अभी आपको ये समझा दिया गया कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऐसे होता है, अब आगे न्यूमेरिकल में इसको कैसे लगाया जाता है वो आपको समझना है, जो चैप्टर में आपको समझाया जाएगा, आप इसको नोट कर सकते हो।